नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ईज्ञान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पावलोव को। किसको पढ़ने जा रहे हैं? पावलोव को। और जो पावलोव का सिद्धांत है वो है पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। कौन सा है? पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो देखिए, इसका जो प्रतिपादन है वो 1904 के अंदर किया गया था। कब किया गया था प्रतिपादन? 1904 के अंदर किया गया था। फिर हम बात करते हैं इसके अन्य नामों की। किसकी बात करते हैं हम? पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है उसको अन्य किन किन नामों से जाना जाता है उनको हम देखते हैं। देखिए, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत, इसको हम कौन से नाम से जान सकते हैं? पावलोव के क्लासिकल अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से भी इसको जानते हैं। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, इसको हम संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी बोल देते हैं। फिर देखिए, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, इसको हम संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी बोल देते हैं। कौन सा सिद्धांत बोल देते हैं? संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। फिर देखिए, परंपरा अनुबंधन का सिद्धांत को क्या नाम है? परंपरा अनुबंधन का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। किसको बोल देते हैं? पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत को बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको हम किस नाम से बोल देते हैं? पावलोव के क्लासिकल अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से भी बोल देते हैं। फिर देखिए, अनुबंधन का सिद्धांत भी इसको हम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अनुबंधन का सिद्धांत भी इसको हमें बोल देते हैं। फिर देखिए, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसको हम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी बोलते हैं। और अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसको हम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसको हमें बोल देते हैं। फिर देखिए, अनुबंधन के जो जनक है वो ई वी पावलोव को माना जाता है। किसको माना जाता है? अनुबंधन का जनक है ई वी पावलोव को माना जाता है, ठीक है। और जो पावलोव है उसके अनुसार अनुबंधन की जो अनुक्रियाएं होती है, क्या होती है? अनुबंधन की जो अनुक्रियाएं होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है स्वाभाविक और दूसरी कौन सी होती है? अस्वाभाविक होती है। कौन कौन सी होती है? स्वाभाविक होती है और अस्वाभाविक होती है। जो स्वाभाविक क्रियाएं होती है उसको हम जन्मजात भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? स्वाभाविक होती है वो जन्मजात भी होती है, और अस्वाभाविक होती है वो अर्जित की होती है, यानी कि जीव के द्वारा जो अर्जित होती है वो अस्वाभाविक अनुक्रियाएं होती है। अब देखिए, प्रयोग है वो किस प्रकार था? पावलोव का प्रयोग है वो किस पर था? भी कुत्ते पर था। किस पर था? पावलोव का जो प्रयोग था वो कुत्ते पर था। कुत्ता था वो क्या था? भूखा था। उसको क्या है? एक पिंजरे नुमा जो बॉक्स होता है उसमें बंद कर दिया जाता है, और उसे क्या है? भोजन और घंटी। जब उसको भोजन दिया जाता है तो क्या करता है? भी कुत्ता है वो भोजन जब प्राप्त करता है तो उसको घंटी बजाई जाती है, ठीक है। और यह क्रिया दोहराई जाती है, और जब घंटी बजाकर उसे क्या है? भोजन दिया जाता है तो कुत्ता है वो लार प्रकट करता है। क्या करता है? उसके मुंह में लार आने लगती है, ठीक है। तो देखिए, जब घंटी बजी और भोजन मिला तो कुत्ते के मुंह में लार है वो स्वाभाविक अनुक्रिया है, ठीक है। और देखिए, जब घंटी बजाकर हम भोजन नहीं देंगे ना तो भी कुत्ता है वो क्या करेगा? लार निकालेगा, ठीक है। यानी कि स्वाभाविक अनुक्रिया उसने कर दी, ठीक है। तो यह अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है, ठीक है। यानी कि जब कुत्ते को हम भोजन देते हैं और घंटी बजाती है तो भी लार निकलती है, और जब हम यह क्रिया दोहराते हैं और क्या करते हैं, हम कुत्ते को भोजन नहीं देते और क्या करते हैं, सिर्फ घंटी बजाते हैं तो भी लार निकलती है, तो यही अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत है। और इसी प्रकार वाटसन ने भी एक प्रयोग किया था। किस पर किया था? वही इस पर प्रयोग किया था। इन्होंने क्या किया था? 11 माह के बालक पर प्रयोग किया था। किस कितने माह का बालक था? 11 माह का बालक था, उस पर प्रयोग किया। खरगोश के साथ जब बालक खेलता है तो क्या करता है? डरावनी आवाज निकालता है। क्या करता है? जब बच्चा खरगोश के साथ खेलने लगता है तो डरावनी आवाज निकालने लगता है, और यह क्रिया दोहराई जाती है। और परिणाम यह होता है कि बालक जब भी कोई नरम और मुलायम वस्तु को छूता है ना, तो वह उससे भयभीत होने लगता है, ठीक है। क्या करने लगता है? भयभीत होने लगता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा प्रयोग। अब हम देखते हैं इसके शैक्षिक उपयोग की। शिक्षा के क्षेत्र में जो पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत है और जो वाटसन का प्रयोग है वो किस प्रकार काम में आते हैं? तो देखिए, आदतों के निर्माण में, जब भी बच्चा आदतों का निर्माण करता है तो पावलोव के क्लासिकल अनुबंधन के सिद्धांत का
पालन करता है। और जब भी बालक के अंदर रुचि पैदा करनी हो ना, ठीक है, रुचि पैदा करनी हो पढ़ने की, तो भी पावलोव के क्लासिकल अनुबंधन के सिद्धांत का पालन करना होता है। फिर देखिए श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग भी हम इसी सिद्धांत के अकॉर्डिंग करते हैं। अधिगम हेतु पुनरावर्ती, ठीक है, जब भी बालक है उसको हम कुछ चीजें सिखाते हैं, वो उनका क्या करता है, पुनरावृत्ति करता है, तो वो इसी सिद्धांत के अनुसार करता है। और क्रो एंड क्रो भी इसके ऊपर एक अपना स्टेटमेंट देता है। क्रो एंड क्रो क्या स्टेटमेंट देता है, वो ये कहता है कि जिन जीवों में क्या नहीं होता भी चिंतन, यानी कि जिन विषयों का उपयोग, उन्हीं विषयों के उपयोग में यह आता है जिनमें क्या है चिंतन की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि जब हम चिंतन नहीं करेंगे और किसी की देखा देखी करेंगे, किसी का अनुसरण करेंगे, तो वहां पर यह सिद्धांत है वो क्या होगा, अपना उपयोगी होता है। जैसे कि सुलेख लिखना,